हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज एक बोर्ड आया है बहुत सारा, लेकिन इसे मैं पहले लेके बैठा हूँ और ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, एक घंटा लग गया। ठीक है, तो ये फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड है, देख सकते हैं, ये 31 का मदरबोर्ड है, DDR2 सपोर्टेड। इसमें CPU Core 2 का लगा हुआ है, 2.2 GHz का। और इसमें एक लेटेस्ट प्रॉब्लम है, उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छा लगेगा। और ये होता है कभी कभार, और ये फेशर बोर्ड है, अभी भी कभी भी सर्विस नहीं हुआ है, पहले आया है तो फर्स्ट टाइम सर्विस हो रहा है। लेकिन इसका IO का कंडीशन ठीक है, मगर IO से प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है, और साथ में बने रहिए और मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। पहले इस बोर्ड को लेके देख रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मुझे प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ है, और तब जाके मैंने इसे सोचा कि एक वीडियो बना दूं, काम आ जाएगा। जो पुराना है उससे भी काम आएगा, जो एक्सपर्ट है वो भी देखे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो नया है वो तो देखते ही रहे, कोई बात नहीं। चलो, वीडियो करना बहुत प्रॉब्लम होता है काम करते करते और सिखाते सिखाते, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है इसीलिए मैं बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो देख के कोई अगर कुछ सीखे तो उसका काम आए, तो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो सिखाया जाता है उससे वो सीख के कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, और यूट्यूब देख के भी कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी कभी कभार देखता हूँ कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, जो एक्सपर्ट है मुझे भी देखना पड़ता है, इसलिए मैं भी देख के सीखता हूँ कुछ कुछ, तो सिखाने में क्या आता जाता है। तो चलिए बात कम करते हैं और बोर्ड में आते हैं। तो मैंने SMPS का 4 पिन डाल दिया, 40 पिन डाल दिया, 14 पिन डाल दिया, और देखते हैं। ठीक है, चलो इसका पावर एक बार ऑन करते हैं। तो हम इसे, ये फ्रंट पैनल किधर गया, ये फ्रंट पैनल, ये वाला फ्रंट पैनल मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, एक फैन लगा देता हूँ, अब देख सकते हो फैन चल रहा है बोर्ड ऑन है, लेकिन डिबग कार्ड में कोई कोड नहीं है। डिबग कार्ड में रिसेट हाई है, लेकिन कोई कोडिंग नहीं है। मैं और एक बार ऑफ करता हूँ, दूसरे स्लॉट पे डालता हूँ इसे, फिर भी कोई कोड का वेरिएशन या फिर कुछ भी नहीं है। मैं फिर से ऑन करता हूँ, कोई भी कोडिंग नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले सोचा VRM सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। अब देखो, मैं इसका ये जो 4 पिन ATX है इसे उठा रहा हूँ। 4 पिन ATX उठाने से जो होता है, पहले जो बोर्ड चलता है, तो मैं और एक और ऑफ करता हूँ, ये है 4 पिन ATX, इसे मैंने नहीं डाला हूँ, साइड पे रखा हूँ। अब मैं एक बार बोर्ड को ऑन करता हूँ, जब 4 पिन ATX यहाँ पर जब नहीं रहता है, तो जिस कंडीशन में बोर्ड है उसी कंडीशन में ऑन हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले में कोई डिबग कार्ड के डिस्प्ले में कोई भी कोडिंग नहीं है, और इसका डिस्प्ले तो नहीं है, 100% श्योर है, जो जानता है वो तो उसे तो पता ही है। अब इसे मैं डाल रहा हूँ, अब देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा पहले VRM का शॉर्टिंग होगा, कुछ MOSFET लीकेज होगा। मैंने ढूंढा बहुत, फिर कुछ भी मुझे शॉर्टिंग नहीं मिला। तब जाके मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट किया, और इसका सिमेटिक भी आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड है। मैंने सिमेटिक भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। तब जाके मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, इसे जांचा, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऑफ करता हूँ इसे, तो मुझे जब मिला प्रॉब्लम, ये फैन को हटा देता हूँ, देखने में अच्छा रहेगा। अभी भी मैंने कुछ भी नहीं छेड़खानी किया, ठीक है, बोर्ड पे कोई भी हीट नहीं दिया, कोई भी कंपोनेंट को रिमूव नहीं किया, मैं दिखा रहा हूँ क्लियर से, आप देख सकते हो। एक सेकेंड, मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद मुझे ये PWM IC मिला, और यहाँ पर एक, ये तीन, यहाँ पर दो MOSFET है, ये वाला MOSFET है और ये वाला MOSFET है, और ये डायोड है। ठीक है, मैंने देखा इस manual.com में,
तो तब जाके मुझे ये मॉस्फेट के गेट पे 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन सोर्स पे कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा, 0 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तब जाके मैं और भी पास से दिखा रहा हूँ, तब जाके मैंने दिख रहा है ना, हाँ, जब ट्वीज़र से मैंने ये ड्रेन और सोर्स को शॉर्ट किया, तब जाके मुझे डिबग कार्ड में कोडिंग आना शुरू हो गया। और बहुत ढूंढने के बाद ये मुझे मिला, क्योंकि बिना स्कीमेटिक के ये करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ ट्वीज़र से शॉर्ट करके, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक सेम वाला मॉस्फेट लगा दूंगा ढूंढ के, क्योंकि मेरे पास फॉक्सकॉन का बहुत सारा स्क्रैप मदरबोर्ड है। और पहले मैं जंपर करके आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं मॉस्फेट को चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ, दिखाता हूँ। और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा और बिल्कुल रॉ फुटेज मिलेगा अगर सक्सेसफुल हुआ तो। लास्ट तक ये रॉ फुटेज मिलेगा आपको, और फिर भी कुछ लोग है डिसलाइक करके चला जाता है, पता नहीं क्यों। और डिसलाइकर को मैं बोल रहा हूँ, ये जेन्युइन वीडियो है, प्लीज़ डिसलाइक मत करें, ठीक है। अच्छा ना लगे तो ना देखें, लेकिन डिसलाइक मत करें। तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा। चलो तो मैं ऑन करता हूँ, ये लो मैंने ऑन कर दिया। अब देखो डिबग कार्ड पे कोई भी एलईडी नहीं है, मैं फैन भी लगा देता हूँ। ये फैन लगाने से आपको पता चलेगा कि बोर्ड चल रहा है, बोर्ड चल रहा है, ओके। तो अब मैं देख सकते हो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बाद में जंपर करने के बाद क्लियर जूम करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आप डिबग कार्ड पे फॉलो करो, ठीक है। ये मैंने ड्रेन और सोर्स को मैंने शॉर्ट किया, देखो अभी कोडिंग आना चालू हो गया, ठीक है। मैंने शॉर्ट किया, छोड़ दिया, ऑफ हो गया। तो अभी एक काम करते हैं, पहले बोर्ड को ऑफ कर देते हैं और शॉर्ट करके फिर ऑन करते हैं, देखते हैं डिस्प्ले आता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्वीज़र लगाया, शॉर्ट कर दिया, अब मैं पावर दे रहा हूँ और स्विचिंग करूँगा, ठीक है। अब मैं स्विचिंग कर रहा हूँ, देखते रहे, देखो कोडिंग चेंज हुआ, डिस्प्ले आ गया, बीप दिया। मैं डिस्प्ले भी दिखा दूंगा, पहले मैं जंपर कर लूँ, ठीक है। चलो छोड़ दिया, अब डिस्प्ले भी चला गया, मैंने देखा था पहले, लेकिन कोडिंग पे अटका हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ करता हूँ और ऑन मोड में मैं दिखाता हूँ वोल्टेज का वेरिएशन, ठीक है। चलो एक बार फिर से ऑन करते हैं, और बोर्ड को मैंने ऑन कर दिया, कोडिंग नहीं है अभी, अभी मल्टीमीटर पे आ जाइए, एक सेकेंड में सेट कर दूँ, कैमरा में दिख नहीं रहा है। डीसी 20 पे मैं डाल रहा हूँ मल्टीमीटर को, अब मल्टीमीटर दिख रहा है आप लोगों को, सुला देता हूँ, ठीक है, लाइट जला देता हूँ। अब देखिए आप मल्टीमीटर पे फॉलो कीजिए और यहाँ पर फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं एक ग्राउंड कर रहा हूँ, ये देख सकते हो, देखो यहाँ पर गेट पे 5 वोल्ट है, सोर्स पे 0, और सॉरी ड्रेन पे 5 वोल्ट है, सोर्स पे 0, और गेट पे 1.19 वोल्ट है। तो हमें बस यहाँ से यहाँ का 5 वोल्ट, लाइट चला गया, यहाँ का 5 वोल्ट, हमें बस यहाँ का 5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंपोनेंट पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो जब भी मैं यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करूंगा, देखो डिबग कार्ड पे देखो, सॉरी हो नहीं रहा, कोडिंग आना चालू हो गया, ठीक है। तो मैं जंपर करता हूँ, साथ में रहिए, जंपर करके फिर भी मैं दिखाता हूँ कि बोर्ड चलता है कि नहीं। और ये और एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगा, जब भी आप काम करें, आपके पास मैट हो या नहीं हो, मैट नहीं है तो आज नहीं है तो कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहो, तरक्की करो, हो जाएगा मैट, कोई बात नहीं। तो जब भी आप काम करें तो ध्यान रहे, नीचे अगर कोई ऐसा स्क्रू रह जाए तो प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है, इसे हटा के क्लीन करके फिर काम करना। अगर आप मैट के ऊपर काम करते हो या फिर कुछ भी डाल के काम करते हो, मैट जिसके पास नहीं है, है तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जिसके पास भी है तो नीचे अगर कुछ भी रहे तो ऐसे करके, मेरा एक बोर्ड इतना शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा जल गया। तो वो वीडियो में बना रहा था, बनाते बनाते ख़त्म हो गया, वो गीगाबाइट का मदरबोर्ड था 61, तो वो वीडियो में डाल नहीं पाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि कस्टमर को मुझे अभी पेनल्टी भरना पड़ रहा है, ये दूसरा बोर्ड देना पड़ेगा। चलो बात बाद में करते हैं, पहले जंपर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले जंपर कर लेता हूँ क्योंकि करते करते दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। हो जाने के बाद जंपर मैं आपको जूम करके क्लियर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो साथ में रहो, कोई बात नहीं। आ गया मेरा टिश्यू विशू सब। मिल गया, साथ में रहो। तो एक मैं सिंपल सी ऑयल ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सी एक ऑयल लेता हूँ। कटर कहाँ है मेरा, यह है कटर। मैं सिंपल सी एक ऑयल को ले लिया। अब चलो इसे थोड़ा सा इतना बड़ा तक कर देते हैं। कहाँ गया बेटा, ये वॉशपेट अगर आपके पास है तो प्लीज चेंज करिएगा, जंपर मत करिएगा। क्योंकि मैं अभी दिखा रहा हूँ इसलिए जंपर कर रहा हूँ, मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा इसका बोर्ड है, मैंने पहले ही बताया, मैं किसी एक बोर्ड से निकल के लगा दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी जंपर करते हैं इसका ड्रेन पे। और चलो मैंने जंपर कर दिया, मैं दिखा रहा हूँ जस्ट आप लोगों को। चलो देख लो ठीक से कहाँ मैंने जंपर किया, ठीक है। दिख रहा है आपको, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। मैंने ड्रेन से सोर्स तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और गेट को छोड़ दिया ये। चलो अब चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो अब मैं डिवक कट को किसी भी पीसीआई स्लॉट पे इंसर्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं बोर्ड को स्विचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और फैन को लगा देता हूँ। पहले फैन को लगा दिया, चलो अब मैं स्विचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कोडिंग चेंज हो रहा है, डिस्प्ले भी आ चुका है। मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, यह इसका कीपैड, इसका कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले आना चाहिए। हाँ चलो आ गया, चलो आ गया। ये भी मैं दिखा देता हूँ, इसका कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, आप देख सकते हो। ये वाला नम लॉक ऑफ ऑन, और इसका बीजीए पे वो भी दिखा देते हैं। ये रेडी करने में मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि ढूंढने में मिल नहीं रहा था। ये देखो स्टैंड को मैं उठा रहा हूँ, ये देखो डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ इसको। कहाँ गया इसका फोन पैनल, एक बार मैंने चलो रीस्टार्ट कर दिया। इसका कोडिंग चेंज होने लगा है, आप देख सकते हो। चलो फॉक्सकॉन आ गया, ठीक है, लोगो आ गया, चलो डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पहले ही ऐसा प्रॉब्लम आया है, ब्रिज का इशू है, नॉर्थ ब्रिज का इशू है, साउथ ब्रिज का इशू है, बोल के हिट कर दिया। ऐसा करोगे तो बोर्ड तो सही नहीं होगा, ज़िंदगी में कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा ये प्रॉब्लम। और ये बोर्ड स्कैप की तरह 100 रुपया इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। पहले बोर्ड आने से पहले देखो, फिर से ठीक से जांचो, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि पहले हिट मत दो, क्योंकि बहुत सारा लोग है ऐसा सिचुएशन में, तो पहले ही ये बीच को हिट कर देगा, ये साउथ बीच को हिट कर देगा, क्योंकि साउथ बीच के वजह से भी कोडिंग में प्रॉब्लम आता है। थोड़ा सा जिसका नॉलेज है वो तो पहले ही इसे हिट कर देगा, लेकिन ऐसा अगर हिट कर दिया तो ये बोर्ड ज़िंदगी में रेडी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। हर बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं मिलता है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से ढूंढना पड़ता है। चलो और एक बार रिसेट करते हैं। चलो मैंने रिसेट कर दिया, इसका फिर से डिस्प्ले आ गया है, कोई बात नहीं।
बीप दे रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए इतना, बस लव यू ऑल, जय हिंद।